Hey guys, this is Athelastor. Welcome back to another video. So guys, आज मैं बात करने वाला हूँ Adidas के एक running shoes के बारे में जिसका नाम है Alpha Bounce और इसके कुछ feature और benefit के बारे में बात करेंगे. So guys, शुरू करते हैं without wasting time. Let's begin. So guys, आज मैं बात करने वाला हूँ Adidas के एक running shoes के बारे में जिसका नाम है Alpha Bounce. Actually, आज मैं गया था Adidas के एक स्टोर में और वहाँ पे मैंने इस शूज को ट्राई किया और उसका कंफर्ट लेवल मैंने चेक किया. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ उसका कंफर्ट लेवल और उसके कुछ फीचर और बेनिफिट. तो गाइस, अगर हम अपर की बात करें तो यहाँ पे आपको सीमलेस फॉर्ज मैच मिल जाता है जो कि ऐसे डिजाइन किया गया जो कि स्ट्रेच के साथ साथ आपको एक काफी ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. बिकॉज यहाँ पे जो अपर लेयर का टेक्सचर है वहाँ पे टीपी ओवरले यूज किए गए हैं जिससे जो है अपर काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और शूज भी काफी ड्यूरेबल हो जाता है. फिर दोस्तों यहाँ पे हैप्टिक ग्राफिक यूज किए गए हैं शूज को जिससे एक यूनिक लुक मिल जाता है. फिर दोस्तों यहाँ पे हिल काउंटर पे टीपी हिल काउंटर यूज किया गया है जो कि आपको एक एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे आपकी इंक्रीज स्टेबिलिटी काफी अच्छी इंक्रीज होती है. फिर दोस्तों यहाँ पे आईलेट्स की बात करते हैं, यहाँ पे टीपी आईलेट दिए गए हैं जिससे शूज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये एक शूज को एक काफी कैजुअल लुक जैसा स्नीकर लुक जैसा लुक प्रोवाइड करता है. फिर दोस्तों मिडसोल की बात करें तो यहाँ पे अल्फा बाउंस टेक्नोलॉजी यूज की गई है जो कि काफी बाउंसी और लाइट वेट होती है जो कि आपको रनिंग के टाइम पे काफी अच्छी कुशनिंग प्रोवाइड करता है और इंपैक्ट प्रोटेक्शन भी आपको काफी अच्छा मिलता है. फिर दोस्तों यहाँ पे आउटसोल की बात करते हैं, यहाँ पे रबर आउटसोल काफी स्ट्रॉन्ग है, मैंने ट्राई करके देखा था, इसकी ग्रिप काफी सॉलिड है. दोस्तों ये रनिंग शूज है बट दिखने में थोड़ा स्नीकर स्टाइल दिखता है. हाँ, थोड़ा अपर जो थोड़ा हैवी है जिसके कारण आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम मिलती है. आप इसे रनिंग के साथ साथ कैजुअल और ट्रेनिंग में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो ग्रिप है वो काफी अच्छी है, मैंने ट्राई करके देखा था. स्टेबिलिटी वाइज शूज काफी अच्छा, जो मिडफुट का जो फिट है सॉक लाइक फिट जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी अच्छा है, इससे आपके मिडफुट का स्टेबिलिटी और सॉक लाइक फिट काफी अच्छी मिल जाती है. तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आपसे शेयर किया, जो मैंने ट्राई किया था वो फीलिंग शूज की और शूज का जो कम्फर्ट लेवल है वो अच्छा है, काफी अच्छा. अगर आप रनिंग के लिए शूज देख रहे हैं और कैजुअली स्नीकर देख रहे हैं तो आप इसे चूज कर सकते हैं. प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाता है 10,000 की रेंज में. अगर डिस्काउंट है तो कोई बात नहीं, वो आपको मिल जाता है ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे. आप एडिडास के ऑनलाइन वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी काफी सारी रेंज मिल जाती है. वैसे तो अल्फा बाउंस की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 8,000 अराउंड है और ये 10-11 तक जाता है, इसमें काफी सारे वेरियंट आते रहते हैं. तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ. सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेक्सी.